रुके ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें ताक ऐप। तो एक राहत की खबर ये दिल्ली से जरूर आई, जहां पर जो लोग संक्रमण के दायरे में हो सकते थे उनके रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं। लॉकडाउन पार्ट टू के दौरान आज लेकिन कई राज्यों में शर्तों के साथ छूट भी दी गई। कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ से सरकारी दफ्तर खुलने की तस्वीरें सामने आई हैं। कोलकाता में तो शर्तों के साथ आईटी कंपनीज भी खुली हैं आज। लखनऊ में सचिवालय का दफ्तर खुला लेकिन कर्मचारी लिमिटेड ही पहुंचे हैं। तो वहीं दिल्ली में किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है। एक हफ्ते बाद ही छूट पर फैसला होगा जब हालात की समीक्षा की जाएगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 से ज्यादा केसेस वाले 19 जिलों में किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं होगी। बाकी जिलों में लेकिन फैक्ट्री आदि खोलने पर फैसला वहां के डीएम पर छोड़ा गया है। डीएम अपने हिसाब से इस पर आगे फैसला ले सकते हैं। तो महाराष्ट्र की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एक जिले से दूसरे जिले में जाने की छूट हालांकि नहीं है। गुजरात में आज से सरकारी दफ्तर के साथ साथ कई ऐसी असेंशियल जो चीज़ें हैं उसकी जो फैक्ट्रीज है वो शुरू हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के बहुमाली भवन, ये सरकारी दफ्तर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे इस तरीके से एक टर्नल बनाई गई है। जब भी कोई शख्स यहाँ पे आता है जो सरकारी कर्मचारी है तो उसे इस टर्नल से होते हुए ही एंट्री दी जाएगी। तो ये एक सैनिटाइजिंग टर्नल यहाँ पे रखी गई है। सैनिटाइजिंग टर्नल में करीब उनको 10 से 20 सेकंड खड़े रहना है, पूरा सैनिटाइज होंगे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं टेबल पर और टेबल पर उनको हैंड सैनिटाइजर दिया जाता है। साथ ही हर किसी की यहाँ पे एंट्री नंबर के साथ ली जाती है ताकि अगर किसी का भी कभी भी इनमें से किसी का भी रिपोर्ट आता है और वो पॉजिटिव आता है तो सारे लोग जो यहाँ पे आए हुए उनको कहीं ना कहीं क्वारंटीन किया जा सके, ये इसका मकसद रहता है। हर किसी की एंट्री ली जा रही है। बंगाल में भी लगातार कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। मैं इस समय हूँ हावड़ा के सल्किया इलाके में, जिसे प्रतिबंधित इलाका करार दे दिया गया है। प्रवेश पर पूरी तरह से निषेध आ गया है। साथ ही साथ सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि बंगाल में कोई भी हॉटस्पॉट नहीं होगा, माइक्रोस्पॉट या सेंसिटिव जोन्स होंगे। ये एक ऐसा इलाका है जहां पर न तो सिर्फ लोगों के लिए आवाजाही बंद है, वहीं साथ ही साथ जो खाने और बाकी सारी चीज़ें जो इस्तेमाल की होती हैं उन्हें समय समय पर पहुंचाया जाएगा। एक नंबर वार्ड से 6 नंबर वार्ड तक तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है किसी के लिए भी। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि जो भी लोग निकल रहे हैं सड़कों पर उनको मास्क लगे हैं कि नहीं और बाकी सारी सुविधाएं उनको जो चाहिए वो मुहैया कराई जाएं, खास तौर से दवाइयां जो समय समय पर पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। गाड़ियों की संख्या आम दिनों पर आपको इन सड़कों पर सैकड़ों मिलेंगी लेकिन अभी फिलहाल न तो सिर्फ गाड़ियां दिख रही हैं बल्कि लोगों की भी संख्या बहुत ही नगण्य है। इसके साथ साथ जो हावड़ा के इलाके हैं, नदिया के इलाके हैं, उत्तर 24 परगना के इलाके हैं, पूर्व मिदनापुर के इलाके हैं और कोलकाता के कुछ इलाके हैं जिन्हें कई जगहों पर इसी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र बना दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।